बाल चौपाल बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ तनुजा निगम। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी तेज दिमाग, जिसे हमने लिया है किताब नए जमाने की परिकथाएं से, जिसको लिखा है होलगर पुक और इसका हिंदी अनुवाद किया है मीनाक्षी जी ने। तो सुनिए ये कहानी तेज दिमाग। पापा खरगोश अपने बेटे को पढ़ा रहे थे, दो दूनी चार होता है। नन्हे बनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इस बात को सैकड़ों बार सुन रखा था। पापा खरगोश ने पूछा, अच्छा तो बेटे, दो दूनी कितना होता है? एक, बेटे ने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। एक, तुम्हारा क्या मतलब है? चार होता है, यह तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? खरगोश पापा का पारा चढ़ने लगा था। एक, बेटे ने हठपूर्वक कहा। उसने अब बस जिद सी ही पर कर ली थी। तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, पापा खरगोश ने बहुत नरमी से कहा। अच्छा देखो, ये हैं तुम्हारे आगे के दो पैर और ये रहे तुम्हारे पिछले दो पैर। क्या ये दो दूनी मिलकर चार पैर नहीं बनते? ठीक है ना? तो तुम्हारे पास कुल कितने हुए? चार। तुम्हारे पास चार पैर हुए, हुए ना? अपनी आंखों में चमक लिए हुए नन्हा बनी अड़ गया। मेरे पैर तो चार ही हैं, परंतु दो गुड़े दो पैर मिलकर एक बनता है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है, पापा खरगोश ने हताश होकर कहा। नहीं, मेरा दिमाग नहीं फिरा है, नन्हा बनी चिल्लाया। दो गुड़े दो खरगोश के पैर मिलकर के एक खरगोश बनता है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? खरगोश पापा के कान खड़े हो गए। बिल्कुल सीधी सी बात है, नन्हे बनी ने उनको रोब से समझाया। अकेले पैरों का कोई मतलब नहीं होता। जब मैं तुमसे कहता हूँ भेड़िया के चार पैर, तो तुम्हारे कानों पे जू तक नहीं रेंगती, परंतु जब मैं कहता हूँ एक भेड़िया, तब तो तुम पलक झपकते ही सर पर पाँव रख कर के भाग खड़े होते हो। खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो, मत भूलो कि तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। पापा खरगोश को गुस्सा आ गया। दो दूनी यकीनन एक होता है, यह बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है। पापा खरगोश कुछ अपने में ही बुदबुदाते हुए वहाँ से फुदकते हुए हट गए। उन्हें कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा था, उनकी खाने पीने की इच्छा मर गई थी। बस वो यही सोच रहे थे और सोचे जा रहे थे, और जितना ही अधिक वह सोचते उतना ही अधिक वह इस बात के कायल होते जा रहे थे कि उनके बेटे के पास अपने कंधों के ऊपर एक तेज दिमाग था। एक तेज दिमाग, दो पहिया दूना हो के बनता है, बस चार पहिया। लेकिन जब तुम कहते हो एक कार, तो किस्सा बिल्कुल दूसरा ही होता है। कार भयंकर आंखों वाला एक दानव है, जो रात के समय तुम्हें सड़क पर मजे से कुचलकर निकल जाता है। हाँ, लड़का होशियार है, बहुत होशियार। खरगोश पापा विद्वान खरगोशों के परिषद की ओर इतनी तेजी से भागे चले जा रहे थे जितना कि उनकी टांगे उन्हें ले जा सकती थीं। उन्होंने अपने पिछले पैर से ठोकर मार के दरवाजा खोल दिया और एक ही छलांग में अध्यक्ष के सामने जा पहुंचे। उनके शब्द धारा प्रवाह फूटने लग गए। अध्यक्ष जी सिर हिलाने के सिवाय कुछ कर ही न सके। सचमुच छोकरा तेज लगता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि उसका बाप खुद ही ऐसा कह रहा हो। अगले दिन नन्हे बनी को विद्वान खरगोश का दर्जा दे दिया गया। बहरहाल पहाड़े की तालिका में लाल रंग की रोशनाई से एक संशोधन किया गया। दो दूनी एक, इसके पिछले तरफ हाशिए पर दो अक्षर अंकित हुए, त और द, मतलब तेज दिमाग। अब से बनने की यह मानद उपाधि थी।
शरद ऋतु आ गई। यह जाड़े के लिए अनाज बांटने का समय था। बन्नी देश में सभी को बंद गोभी के 2 बोरे प्रति खरगोश के हिसाब से मिलता था। एक सम्मानित दिखने वाला खरगोश जोड़ा सामुदायिक भंडार घर पहुंचा। आपका मिजाज कैसा है? देखिए हम लोग आ गए अपने 2-2 बोरों के साथ। भंडार अध्यक्ष ने अपनी पहाड़ी की तालिका मेज पर फटाक से खोल दी। वह मोटे लाल अंकों में बता रहा था कि 2 दूनी 1 होता है और बूढ़े खरगोश दंपत्ति को बंद गोभी का कुल 1 ही बोरा मिल सका। दूसरे जोड़े को भी 1 ही बोरा मिला। इसी प्रकार तीसरे चौथे को भी और पांचवे की किस्मत भी इससे बेहतर नहीं रही तथा छठवां और सातवां भी। बड़े दिनों के बहुत पहले से ही समूचा बनी देश भूखो मरने लग गया था। जब तक वसंत ऋतु आई तब तक यह देश रहा ही नहीं। कुछ ने अपने देश में ही भूख से दम तोड़ दिया और कुछ ऐसी जगहों की तलाश में चले गए जहां अभी भी 2 दूनी 4 होता था। तेज दिमाग ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने कोई तकलीफ नहीं झेली। वह दूसरे खरगोश देशों में अपने अद्भुत खोज पर व्याख्यान देता हुआ घूमता रहा और इस विद्वान अतिथि को हमेशा ही खाने के लिए जायकेदार निवाला पेश किया गया जिसका आनंद निसंदेह वह भरपेट उठाता रहा। तो बच्चों ये थी कहानी तेज दिमाग। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था किताब नए जमाने की परिकथाएं से जिसको लिखा है होलगर पुक और इसका हिंदी अनुवाद किया है मीनाक्षी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी तनुजा निगम को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।